नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरजी स्मार्ट क्लास में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में सीटेट 2019 परीक्षा के लिए हम पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे और आज पर्यावरण की सीरीज का ये पार्ट 20 है। अगर आप इसके पहले के वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दिए हुए हैं, वहाँ पर जाके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की गई? तो भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति सन 1894 में जारी की गई। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की गई? तो स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 1952 में जारी की गई। याद रखेंगे कि भारत की जो पहली राष्ट्रीय वन नीति है ये जारी की गई है 1894 में, जबकि जो स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति है ये जारी की गई है 1952 में। अगला प्रश्न है कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है? तो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण जो है इसके द्वारा जारी की जाती है। अगला प्रश्न है कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट किस वर्ष से जारी की जा रही है? तो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट वर्ष 1987 से जारी की जा रही है। अगला प्रश्न है कि भारत की नई राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की गई है? तो भारत की नई राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 2017 में जारी की गई है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन नीति 2017 के अनुसार देश के कितने प्रतिशत भाग पर वनों का विस्तार है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको जरूर याद रखिएगा कि राष्ट्रीय वन नीति 2017 के अनुसार देश के कितने प्रतिशत भाग पर वनों का विस्तार है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 24.4%। अगला प्रश्न है कि भारत में विश्व के कितने प्रतिशत वनों का विस्तार है? तो भारत में विश्व के 2.4% वनों का विस्तार है। अगला प्रश्न है कि वनों के विस्तार में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो वनों के विस्तार में भारत का विश्व में 8वां स्थान है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक वन वृद्धि वाला राज्य है? तो भारत में सर्वाधिक वन वृद्धि वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है कि भारत में दूसरा सर्वाधिक वन वृद्धि वाला राज्य है? तो भारत में दूसरा सर्वाधिक वन वृद्धि वाला राज्य है कर्नाटक। ये जो राष्ट्रीय वन स्थिति रिपोर्ट 2017 जारी की गई है तो इसके अनुसार जिस राज्य में वनों का जो वृद्धि का प्रतिशत है वो सर्वाधिक है तो वो है आंध्र प्रदेश और दूसरे स्थान पर है कर्नाटक। और अगर पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक वनों की कमी वाला राज्य, जिसमें सर्वाधिक कमी हो रही है वन प्रतिशत में, तो वो राज्य है मिजोरम। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि अगर पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य कौन है तो इसका सही उत्तर है मिजोरम। और अगर ये पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक वनों की कमी अभी जो है उसका प्रतिशत किस राज्य में देखने को मिल रहा है तो भी इसका आंसर है मिजोरम। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक वनों की कमी वाला दूसरा राज्य है? तो भारत में सर्वाधिक वनों की कमी वाला दूसरा राज्य है नागालैंड। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक वनों वाला राज्य? तो भारत में सर्वाधिक वनों वाला राज्य है मध्य प्रदेश। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य है? तो भारत में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य है नागालैंड। फ्रेंड्स, थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन जो है इसमें थोड़ा सा जो है गलत हो गया है क्वेश्चन, मैं करेक्शन कर दे रहा हूँ, बाकी मैं PDF में करेक्ट कर दूंगा क्वेश्चन। याद रखिएगा कि भारत में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जो राज्य है वो है मिजोरम, ये नागालैंड यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, ध्यान रखिएगा। PDF में मैं इसको सही कर दूंगा। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, प्रश्न ध्यान से सुनिए। भारत में सर्वाधिक वनों वाला राज्य है मध्य प्रदेश और भारत में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य है मिजोरम। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक वनों वाला केंद्र शासित प्रदेश है? तो भारत में सर्वाधिक वनों वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने प्रतिशत भागों पर वनों का होना अनिवार्य है?
तो राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के 33% भाग पर वनों का होना अनिवार्य है, और ये जो 33% जो है ये है मैदानी क्षेत्रों के लिए, और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए है 68%। अगला प्रश्न है कि भारत के कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 33% भाग पर वनों का विस्तार है? तो याद रखेंगे भारत के 15 राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं तो उनके 33% जो भाग है उस पर जो है वो वनों का विस्तार है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत के कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 75% से अधिक भाग पर वनों का विस्तार है? तो भारत के 7 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके 75% से अधिक भाग पर जो है वो वनों का विस्तार है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2018 में सर्वाधिक फलों का उत्पादन करने वाला राज्य है? तो वर्ष 2018 में सर्वाधिक फलों का उत्पादन करने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2018 में सर्वाधिक फलों का उत्पादन करने वाला दूसरा राज्य है? तो वर्ष 2018 में सर्वाधिक फलों का उत्पादन करने वाला दूसरा राज्य है महाराष्ट्र। आज का अगला प्रश्न है कि वर्ष 2018 में सर्वाधिक सब्जियों का उत्पादन करने वाला राज्य है? तो वर्ष 2018 में सर्वाधिक सब्जियों का उत्पादन करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। आज का अगला प्रश्न है, वर्ष 2018 में सर्वाधिक सब्जियों का उत्पादन करने वाला दूसरा राज्य है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत के कितने बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र शामिल हैं? तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत के 11 बायोस्फीयर रिजर्व या जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो हैं वो शामिल हैं। अगला प्रश्न है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है? तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है नीलगिरी, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। नीलगिरी जो पर्वत श्रृंखला है वो भी तमिलनाडु में ही स्थित है, और आपको पता होगा कि जो नीलगिरी पर्वतमाला है ये भारत के पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो हैं आपस में इसी स्थान पर आकर आपस में मिलते हैं, तो इस वजह से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको जरूर याद रखिएगा। आज का अगला प्रश्न है कि वर्ष 2018 में भारत के किस जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की घोषणा की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है ये जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र सिक्किम में स्थित है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। और याद रखेंगे कि भारत में जो हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है? तो भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है नीलगिरी, जिसकी स्थापना वर्ष 1986 में की गई। अगला प्रश्न है, नीलगिरी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र किस वर्षा वन क्षेत्र में शामिल है? तो नीलगिरी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र मालाबार वर्षा वन क्षेत्र में शामिल है। आज का अगला प्रश्न है कि बैंकॉक घोषणा का संबंध किस क्षेत्र से है? तो बैंकॉक घोषणा का संबंध समुद्री कचरे की सफाई से है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको जरूर याद रखिएगा कि बैंकॉक घोषणा का संबंध जो है ये किस क्षेत्र से है। तो बैंकॉक घोषणा का संबंध है समुद्री कचरे की सफाई से। आइए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है कि विश्व के किस क्षेत्र में समुद्री कचरे की अधिकता है? तो विश्व का जो आसियान क्षेत्र है, आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी कि दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का संगठन। तो जो दक्षिणी पूर्वी एशिया है वहाँ पे जो है वो समुद्री कचरे की सर्वाधिक अधिकता है विश्व में। अगला प्रश्न है कि विश्व के 20 जल की कमी वाले शहरों में भारत के कितने शहर शामिल हैं? तो विश्व के जो 20 सर्वाधिक जल की कमी वाले शहर हैं उनमें भारत के 4 शहर जो हैं वो शामिल हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में जल उपलब्धता का प्रतिशत है? तो भारत में जल उपलब्धता का जो प्रतिशत है वो है 93%। भारत में जो 93% जो व्यक्ति हैं उनको जो है वो जल उपलब्धता जो है वो प्राप्त है। याद रखेंगे भारत के जो 93% जो मनुष्य हैं उनको जो है जल उपलब्धता जो है वो प्राप्त है। अगला प्रश्न है कि वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो वर्ष 2018 में वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में 2% की वृद्धि हुई है। आइए देखते हैं आज का अगला प्रश्न।
आज का अगला प्रश्न है कि वर्ष 2018 में भारत के कार्बन उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो वर्ष 2018 में भारत के कार्बन उत्सर्जन में 4.8% की वृद्धि हुई है। आज का अगला प्रश्न है, वर्ष 2018 में सर्वाधिक कार्बन का उत्सर्जन करने वाला देश है। तो वर्ष 2018 में सर्वाधिक कार्बन का उत्सर्जन करने वाला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। आज का अगला प्रश्न है कि भारत में BS6 वाहनों को कब से लॉन्च किया जाएगा। तो भारत में जो BS6 वाहन हैं इनको वर्ष 2020 से लॉन्च किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2018 में कौन सा देश पहले स्थान पर है। तो इस प्रश्न का जो अर्थ है वो ये है कि कौन सा ऐसा देश है जो जलवायु परिवर्तन के लिए जो है उसने पर्याप्त जो है वो उपाय किए हैं। तो याद रखेंगे कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2018 में पहले स्थान पर है स्वीडन। आज का अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2018 में भारत का कौन सा स्थान है। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2018 में भारत का 11वां स्थान है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2019 के अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस का आयोजक देश है। तो वर्ष 2019 के अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस का आयोजक देश है चीन। आपको पता होगा कि प्रतिवर्ष जो है वो 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो वर्ष 2019 का जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस है इसका आयोजक देश है चीन। अगला प्रश्न है, वर्ष 2019 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए किसे नामांकित किया गया है। तो वर्ष 2019 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए ग्रेटा थनबर्ग को नामांकित किया गया है। ग्रेटा थनबर्ग जो है ये पर्यावरण जो है उसके प्रति जो है वो जागरूकता अभियान चलाती हैं और इसी वजह से जो है इनको वर्ष 2019 का जो नोबेल शांति पुरस्कार है उसके लिए नामांकित किया गया है। अगला प्रश्न है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2019 में आयोजित किए गए विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम क्या है। तो वर्ष 2019 में आयोजित किए गए विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम है आर्द्रभूमि एवं जलवायु परिवर्तन। आपको पता होगा जो सबसे पहला जो आर्द्रभूमि सम्मेलन है इसको रामसर सम्मेलन भी कहा जाता है। इसका आयोजन ईरान के रामसर जो है स्थान पर किया गया। तो वर्ष 2019 में जो है सम्मेलन आयोजित किया गया, तो विश्व आर्द्रभूमि जो दिवस है तो इसकी जो थीम रखी गई वो रखी गई है आर्द्रभूमि एवं जलवायु परिवर्तन। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 में आयोजित किए जाने वाले विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम है। तो वर्ष 2020 में आयोजित किए जाने वाले विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम है आर्द्रभूमि एवं जलवायु परिवर्तन। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में आयोजित किए जाने वाले विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम है। तो वर्ष 2021 में आयोजित किए जाने वाले विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम है आर्द्रभूमि एवं जल। हाँ, देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, रामसर सम्मेलन का संबंध किस क्षेत्र से है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो रामसर सम्मेलन है इसका आयोजन ईरान के रामसर नामक स्थान पर किया गया। तो याद रखेंगे कि रामसर सम्मेलन का जो संबंध है ये है आर्द्र भूमियों के संरक्षण के साथ। अगला प्रश्न है कि मैं एक चीज़ यहाँ पे और बताना चाहूँगा कि आर्द्र भूमि जो ये क्षेत्र हैं रामसर जो क्षेत्र हैं, तो भारत में जो केवला देव खाना राष्ट्रीय उद्यान है ये राजस्थान में स्थित है। तो सबसे पहले इसको जो है वो रामसर स्थल घोषित किया गया। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक जीव प्रजातियों का विस्तार किस क्षेत्र में है। तो भारत में सर्वाधिक जीव प्रजातियों का विस्तार अंडमान निकोबार द्वीप में है। अगला प्रश्न है कि अंडमान निकोबार में कितने प्रतिशत जीव प्रजातियों का विस्तार है। तो अंडमान निकोबार में 10% जो है वो जीव प्रजातियों का विस्तार है। संपूर्ण भारत की जो 10% जीव प्रजाति हैं वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शीतलन नवाचार शिखर सम्मेलन 2018 का आयोजन कहाँ किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय शीतलन नवाचार शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया और वर्ष 2018 में इसका पहली बार आयोजन जो है वो किया गया। आइए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश है।
तो सन स्क्रीन पर प्रतिबंध लगाने वाला जो विश्व का पहला देश है वो है पलाऊ, और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पास में स्थित है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पास में ही विश्व की सबसे बड़ी जो मूंगे की चट्टान है ग्रेट बैरियर रीफ वो भी स्थित है। तो सनस्क्रीन में जो केमिकल का यूज़ किया जाता है उनसे जो कोरल रीफ हैं उनको नुकसान पहुंचता है, इस वजह से जो है पलाऊ ने सनस्क्रीन पर जो है प्रतिबंध लगाया, और ऐसा करने वाला यह विश्व का पहला देश है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2018 में जलवायु वार्ता सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया। तो वर्ष 2018 में जलवायु वार्ता सम्मेलन का आयोजन पोलैंड में किया गया। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले राष्ट्रीय पर्यावरण सर्वेक्षण की शुरुआत कब की गई। तो भारत के पहले राष्ट्रीय पर्यावरण सर्वेक्षण की शुरुआत जनवरी 2019 में की गई। फ्रेंड्स, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए देखते हैं कल के प्रश्न का उत्तर। फ्रेंड्स, कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, तो विश्व में जो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है वो है मासिनराम, जो कि मेघालय में स्थित है। और अगर पूछा जाए कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला महाद्वीप कौन सा है, तो याद रखेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर है दक्षिण अमेरिका। तो याद रखिएगा, सर्वाधिक वर्षा, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम, और विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला महाद्वीप दक्षिण अमेरिका। तो आइए देखते हैं आज का प्रश्न। तो फ्रेंड्स, आज का प्रश्न है कि विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला अरावली किस राज्य में स्थित है। तो विश्व की जो सबसे पुरानी पर्वतमाला है अरावली, ये किस राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें ताकि हम इस तरह के और वीडियोस बनाते रहें, और आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, देखते रहिए आरजे स्मार्ट क्लास। धन्यवाद।